बीमार भी रहूं, मेरे हाल पे रहम खाओ। और दरबदर की ठोकरें नहीं खा सकता, दोस्त रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया, कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। यही तो मेरा घर है, मेरा मैंने तुम्हें माफ कर दिया सर, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी रहो। माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात तो आपको शहजाद जी से पूछनी चाहिए, क्या आप इस घर में रह सकते हैं या नहीं। भाभी जरा तमीज से, ये हमारे अब्बू हैं। हाँ, लेकिन ये घर तो शहजाद का ही है ना, और ये फैसला भी शहजाद जी का होगा कि इस घर में कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता। आखिर को मम्मी जी, ये होटल या सराय तो है नहीं कि मुफ्त खोर घर में आए और ऐश करते रहे। हो गई तसल्ली आपको? आपने भी वही गलती की जो नानी ने की थी। ये वाहिद जायदाद थी आपकी, आपका घर, जो आपने शहजाद के नाम लिख दिया। जो लड़ाई आप अपने बच्चों के लिए लड़ती रही, अब वही लड़ाई आपके अपने बच्चे आपस में लड़ेंगे। मेरी माँ ने ये गलती अपने बेटे की मोहब्बत में की थी, लेकिन मैंने मजबूरी में की है। इतना कर्जा था इस घर पर, नीलाम हो रहा था ये घर। शहजाद अगर वो कर्ज ना चुकाता तो क्या ऑप्शन था मेरे पास? बताओ ना, बचा क्या था मेरे पास ऑप्शन? सर, तुम यहां क्यों रह रही हो? वलीद ने दोबारा मुझे माफ कर दे, लालच और गलत फैसलों ने तुमने भी बहुत नुकसान उठाया, माफ कर दे रहा हूँ।